अब जान लेते हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIIs DIIs के वैसे खरीदारी के आंकड़े आए हैं। कैश मार्केट में 510 करोड़ की खरीदारी FIIs की तरफ से, वायदा बाजार में करीब 9 करोड़ की खरीदारी FIIs की तरफ से और कैश मार्केट में करीब करीब 650 करोड़ की खरीदारी DIIs की तरफ से आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में FIIs DIIs की खरीदारी के आंकड़े फिलहाल हमारे सामने आए हैं। ये तमाम संकेतों को जानते हुए चलिए आपको आज के लिए अब पहली रणनीति बता देते हैं और जोड़ लेते हैं हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह को। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, विदेशी बाजार के संकेत आज फिलहाल मिले जुले दिख रहे हैं, वहीं FIIs DIIs की खरीदारी के आंकड़े, कोरोना के आंकड़ों में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, इन्हें कैसे समझना है और आज के लिए फिर हफ्ते की शुरुआत कैसी की जाए, पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए हफ्ते की शुरुआत करने के लिए मुझे तो कहीं से संकेत तो इससे खराब नजर नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्यों नीचे, तो मुझे तो लगता है कि इसके मुकाबले में भारतीय बाजार अच्छे मजबूत और पॉजिटिव खुलने चाहिए जहां तक मेरा अनुमान है। देखते हैं क्या कुछ होता है, हमारे बाजारों के खुलने के वक्त क्या संकेत आपको और मिलते हैं। लेकिन फिलहाल जहां तक बाकी संकेतों का सवाल है, FIIs और घरेलू फंड्स के संकेत काफी दिनों बाद अच्छी खरीदारी के आते हुए दिखे हैं। बाजार ने वीकली क्लोजिंग 15,175 पर दी है शुक्रवार को। मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एक हल्के करेक्शन की जो जरूरत थी वो करेक्शन भी आपको मिल चुका था एक बुधवार के सेशन में, तो ऐसा कोई समस्या है नहीं। और अगर 80 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट अगर जो भी ये नीचे दिखाए, अगर नीचे खुले तो तुरंत खरीदारी के मौके होंगे। खरीदारी के लिए बढ़िया रेंज जो है वो 15,040 से लेकर 15,100 की रेंज बहुत बढ़िया रेंज है, जहाँ पर आपको मुझे लगता है कि खरीदारी करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर एक बार 15,240 से 15,310 की रेंज है, वहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद लाइफ टाइम हाई जो 15,431 है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश, वहां पर जाने की और नया लाइफ हाई बनाने की कोशिश बाजार इस हफ्ते कर सकते हैं। तो मेरे लिए बाजार का डायरेक्शन क्लियर है, ऊपर की तरफ है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और जब तक 14,900 के नीचे बंद नहीं होता बाजार, तब तक कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत है नहीं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट भी बहुत ही बेहतरीन रहा है शुक्रवार के सेशन में और रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 34,150 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आज काम करता हुआ दिखेगा और 35,175 एक हल्की रुकावट का लेवल है, जहाँ ऊपर जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से हो सकती है।